भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला रविवार को विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। पीठ की चोट के कारण इस मुकाबले में भारतीय टीम के ऑलराउंडर खिलाड़ी हार्दिक पांड्या ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पूरी सीरीज से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह भारतीय टीम के पास ऑलराउंडर के तौर पर रविंद्र जडेजा रहेंगे। इस साल होने वाले विश्व कप से पहले भारतीय टीम की ये आखिरी सीरीज होगी। इस मुकाबले के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम पूरी तरह तैयार है। हैदराबाद में चल रहे प्रैक्टिस सेशन में कंगारू जमकर पसीना बहा रहे हैं। ऑरेन फिंच की अगुवाई वाली टीम में ऐसे कई खिलाड़ी मौजूद हैं जो अपनी टीम को आसानी से जीत दिला सकते हैं। जब 2018 में ऑस्ट्रेलिया ने मेलबर्न में टीम इंडिया को 1-0 से हराया था, उस समय ऑस्ट्रेलिया ने ये सीरीज 1-0 से जीती थी। अब 24 फरवरी से शुरू हो रहे इस मुकाबले में T20 सीरीज को जीतकर भारतीय टीम अपनी इस विजय रथ को बरकरार रखना चाहेगी। यदि इन दोनों टीमों के बीच भारत में T20 मैचों में प्रदर्शन की बात की जाए तो मेजबान टीम का रिकॉर्ड शानदार रहा है। इनके बीच भारत में 5 मैच हुए जिनमें से भारत ने 4 मैच जीते, जबकि ऑस्ट्रेलियाई टीम केवल 1 मैच ही जीत पाई। ऑस्ट्रेलिया ने ये मैच पिछली सीरीज में 10 अक्टूबर 2017 में गुवाहाटी में 8 विकेट से जीता था। इन दोनों देशों के बीच अब तक 7 T20 सीरीज खेली गई है, जिसमें से 3 सीरीज टीम इंडिया ने जीती और ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ एक ही सीरीज में जीत नसीब हुई, वहीं 3 सीरीज ड्रॉ हुई। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.